ज्वालापुर विधानसभा के मानू बस में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, वहीं भाजपा के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दावेदारों का शक्ति परीक्षण भी क्षेत्र की जनता को देखने को मिला। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रधान काफी समय से ज्वालापुर विधानसभा में जनता के बीच उनकी समस्याओं का निराकरण करने में लगे हुए हैं। देवेंद्र प्रधान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के प्रतिनिधि रहे हैं। देवेंद्र प्रधान की ज्वालापुर विधानसभा पर भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता भी दिखाई दे रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के दावेदारों का शक्ति परीक्षण भी क्षेत्र की जनता को देखने को मिला। भाजपा युवा नेता देवेंद्र प्रधान अपनी भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मानुवास में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को गदा भेंटकर सम्मानित किया। आने के लिए एक सड़क जो काफी खराब है, हमने कहा है कि हम उसकी सड़क का निर्माण जल्दी करवाएंगे। साथ में यहाँ पर गंगा जी के किनारे गौशाला की जमीन काफी बह गई है, वहाँ पर तटबंध बनाए जाएंगे। और साथ में जो हमारी एम्बुलेंस और इत्यादि कई सारी यहाँ की जो डिमांड्स है जमीन को संबंधित लेकर, हम हर क्षेत्र में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है गौ माता के संरक्षण के लिए, धर्मशाला ये हमारी गौशालाएं काम कर रही हैं, इसमें बहुत बड़े हमारे संत समाज का बड़ा योगदान है। तो मैं निश्चित रूप से हम सब इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार काम करेगी, कोई मैंने घोषणा नहीं। सीएम साहब, आपने तिवारी जी को याद किया, आपने तिवारी जी को याद किया, कांग्रेस भूल गई तिवारी जी को आपने ये काम? देखिए, तिवारी जी ने बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के लिए किया है, देश के लिए किया है, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सतत विकास की प्रक्रिया शुरू करी थी और यहाँ का सिटकुल बना हो, चाहे उत्तराखंड का विकास हुआ हो, देश का विकास हुआ हो, बहुत सारे पदों पर रहे हैं, उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को इस छोटी सी जगह से जाकर गौरवान्वित करने का काम किया, इसलिए हम उनका स्मरण करेंगे। हमारी सरकार ने उनको अभी उत्तराखंड गौरव सम्मान भी जो है हमने मरणोपरांत दिया है। तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में कुछ काम किए हैं, उन सबका स्मरण होना चाहिए, इसलिए तिवारी जी का। विधायक की दावेदारी क्या है, तो मैंने पिछले बार भी इस सीट से चुनाव लड़ने का प्रयास किया था और हाईकमान से को अपना निवेदन दिया था कि मुझे इस सीट से टिकट दिया जाए, और मेरा दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड तक नाम गया, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय मेरा टिकट नहीं हुआ। इस बार में दोबारा मैंने हाईकमान को निवेदन किया है कि अगर वो मुझे इस विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका देंगे तो मैं ऐतिहासिक वोटों से इस सीट को हाईकमान को जीत कर दूंगा। अच्छा, कल यहाँ मतलब सीएम साहब का ये कार्यक्रम था, मतलब किसान मेला, तो क्षेत्र की जनता में वर्तमान विधायक के खिलाफ कल मासी मुर्दाबाद जिंदाबाद के वो नारे रहे, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं, और जनता का आक्रोश नहीं हो, किसी ने आवेश में होकर अगर कोई नारा लगा दिया हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ हज़ारों लोग और भी थे, सब लोग, हज़ारों लोग मेरे साथ भी आए थे, आप सब लोग पत्रकार बंधु वहाँ मौजूद थे, तो ये कुछ नहीं, छनी घटना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि जो वहाँ पे मतलब मेरा तो सारा पंडाल ही था, आप सबने अगर कवर करा होगा वहाँ, तो पूरा पंडाल ही मेरा था, एक एक कार्यकर्ता मेरा था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बनी बनाई बातें हैं इस चीज़ को लेकर, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, क्षणिक आवेश में कोई बात कह दे तो बात चीज़ बात बहुत अलग है कि ऐसा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है कि कोई मेरे टिकट पर उसमें कोई आचानी है नहीं आनी है, मैं तो जनता का नेता हूँ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कि यार देवेंद्र प्रधान को चुनाव लड़ना, तो देवेंद्र प्रधान लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई सुरेश राठौर जी को चुनाव लड़ना है, तो सुरेश राठौर जी के साथ तन मन धन से उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। तो आपका कहना है कि कल जिन लोगों ने वहाँ पे मतलब मुर्दाबाद के जो नारे लगाए वो आपकी टीम के लोग नहीं थे, वो क्षेत्र की जनता थी, उनकी जो पीड़ा थी उन्होंने? देखिए, इस संगठन में कोई टीम नहीं होती है, सब कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे जो है मेरे परिवार है भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ उपस्थित थे। अच्छा, क्या मतलब किसी बार भी खड़ा रहा, मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन ने मुझे इतना दिया कि उम्मीद से ज़्यादा दिया। जनता की पुकारे कि युवा नेता हो विधायक, ये तो संगठन तय करेगा, जनता की जो पुकार है, जो जनता के दिलों की बात है, उसका निर्णय जो है मेरा ही कमान लेगा। अगर वो मुझे कहेगा चुनाव लड़ने के लिए, तो जरूर चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ और उसकी मैं लगातार तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा, कल आप मंच पे दिखाई दी? हाँ, क्यों नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री ने जो 3 पुल छूटे हैं उन सबकी घोषणा की। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज़, हर खबर पर पहली नजर।